नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम ने कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो कौन से हम खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में करारी हार मिली। इंग्लैंड ने पारी और 76 रन से लीड टेस्ट जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की है। मैच के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी 278 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में भारत ने महज 78 रन ही बनाए थे और इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर 354 रनों की बढ़त भी हासिल की थी। तीसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन करने की वजह से शर्मनाक हार झेलने के बाद टीम इंडिया को चिंताजनक खबर भी मिली। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मैच खत्म होने के बाद अस्पताल ले जाया गया और ऐसे में बताया जा रहा है कि चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने की हालत में नहीं है और ऐसे में रविंद्र जडेजा को चौथे टेस्ट मैच से बाहर रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का भी फॉर्म बेहद खराब चल रहा है और वो किसी भी मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उनकी जगह पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पुजारा का भी फॉर्म बेहद खराब है। हालांकि उन्होंने तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में 91 रनों की पारी खेली, लेकिन फिर भी उनका शानदार फॉर्म अभी भी वापस नहीं लौटा है और वह काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और ऐसे में पुजारा की जगह पर पृथ्वी शॉ को मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।